हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ श्वेता सिंह। आप सब कैसे हैं? होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैंने जो थंबनेल लगाया है उसको देख के तो आप सब समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तीन चार दिन से ना ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर चल रही थी, तो मैंने भी बहुत सारी वीडियो देखी और बहुत सारी वीडियो देख के ना कुछ चीज़ें मुझे सही नहीं लगी, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। जैसा कि मालती चौहान को लेके बहुत सारी वीडियो बन रही हैं और उनका जो ये अभी मैटर हुआ है, जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, उसको लेके लोग बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा दिखा रहे हैं कि हाँ वो बहुत ज़्यादा परेशान है, ऐसा हो गया है, उनके घर पे जाके वीडियो बना रहे हैं और अपने दुख को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस मैं सब लोगों से यही कहना चाहूँगी, जो लोग ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो वहाँ के लोकल हैं, जो अक्सर जाके ना उनके घर पे वीडियो बनाते थे और उनके फैमिली मैटर को भी जानते थे, हालांकि उनका जो भी मैटर चल रहा था वो तो वो लोग खुद ही अपने मतलब चैनल पे डाल के लोगों को बता ही रहे थे कि क्या है क्या नहीं है, और सच्चाई चाहे जो भी हो। लेकिन बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि जो लोग इतना ज़्यादा शुभचिंतक बन रहे हैं, वो अगर इसके पहले इतनी ही चिंता दिखाए होते मालती के साथ में, तो वो ऐसा कदम नहीं उठाती। और दूसरी चीज़ कि जब वो डिप्रेशन में थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, तब ये लोग कहाँ गए थे? इन लोगों को उसी टाइम पे ना उसका इतना जितना कि अभी सपोर्ट दिखा रहा है उतना दिखाना चाहिए था। अगर सब लोग इतना सपोर्ट दिखाते ना तो आज ये सिचुएशन नहीं होती। और दूसरी चीज़ है कि लोग जाके वहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, चलो ठीक है, सबको एक कंटेंट मिल रहा है, सब लोग वीडियो बना रहे हैं, वो समझ में आता है। लेकिन सब लोग जाके शमशान घाट पे जाके वीडियो बना रहे हैं, वो भी पोस्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। हाँ, व्यूज़ के लिए सब लोग बनाते हैं, थंबनेल पे कुछ भी लिखते हैं, वीडियो में भी जो उनको सही गलत लगता है, समझ में आता है, वो सब लोग अपनी वीडियो में बनाते हैं। सब लोग इस प्लेटफॉर्म पे हैं तो व्यूज़ के लिए सब लोग करते हैं ऐसा, वो चीज़ मैं समझती हूँ। लेकिन हाँ, इतना वो मतलब जाके आप शमशान घाट पे वीडियो बना रहे हैं और उसके घर पे जो सिचुएशन चल रही है ना, हर एक चीज़ को कैप्चर कर करके डाल रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा लग रहा है और इतना ज़्यादा शायद नहीं करना चाहिए। और बाकी सबका अपना पर्सनल है, जिसको जो सही लग रहा है वो तो कर ही रहा है, इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। बस हाँ, इतना बोलना चाहूँगी आप सबको कि जब इंसान रहता है ना तब उसकी कद्र नहीं होती, जब वो नहीं रहता है ना तब लोग उसके लिए बहुत अच्छा बोलने लगते हैं, उसकी कद्र ऐसा दिखाने लगते हैं कि उसकी बहुत ज़्यादा केयर करते थे लोग, बहुत ज़्यादा शुभचिंतक बन रहे हैं। तो बस यही है कि काश इतनी चिंता आप सब तीन चार दिन पहले दिखाए होते, जब ये हादसा नहीं हुआ रहता ना, तो शायद ये सिचुएशन नहीं होती। मुझे जो सही लगा मैंने आप सबके साथ शेयर किया, और ठीक है, अब मैं ये वीडियो यहीं पे बंद करती हूँ। आप सब अपना ध्यान रखें। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।